वेलकम, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच टीवी टाउन की दुनिया को लेकर। वेल, टीवी से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है मौनी रॉय फिल्म गोल्ड से लेकर ब्रह्मास्त्र में अपने दिलकश अंदाज से खूब लाइमलाइट बटोरने वाली है। जैसा कि आप भी जानते हैं, गोल्ड मूवी में मौनी रॉय काफी बेहतरीन अंदाज में नजर आएंगी, क्योंकि अक्षय कुमार की वाइफ के किरदार में देखा गया है इस फिल्म में मौनी रॉय को। फिल्म के ट्रेलर में, फिल्म के गानों में मौनी रॉय और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही है, जो फिल्म में तो बंगाली औरत के रूप में, बंगाली लेडी के रूप में, बंगाली ब्राइड के रूप में नजर आई है। लेकिन फिल्म ब्रह्मास्त्र में मौनी रॉय का कैरेक्टर कैसा होने वाला है? रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन की फिल्म में मौनी रॉय का कैरेक्टर कितना बेहतरीन होने वाला है, इससे लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो वहीं बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी करिश्मा तन्ना, जो कि फिल्म संजू में नजर आई हॉट एंड बोल्ड अवतार में, उन्हें भी काफी पसंद किया गया। ऐसे में दोनों ही एक्ट्रेस टीवी पोर की दुनिया में नागिन रूप से पहचान बना चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। तो आज हम आपको नागिन अवतार में सबका दिल जीतने वाली करिश्मा तन्ना और मौनी रॉय के शो नागिन 3 को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, शो में फिलहाल मौनी रॉय ही नहीं और ना ही करिश्मा तन्ना नजर आ रही है, लेकिन सुरभि ज्योति और अनीता हसनंदानी नजर आ रही। अनीता हसनंदानी, जिन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया, हॉरर फिल्मों से लेकर लव स्टोरी ड्रामा में भी काम किया, वो अनीता फिर से टीवी में एक पहली बार नागिन रूप में नजर आ रही। ऐसे में नागिन 3 में आज रात क्या दिखाया जाएगा? आज रात यानी सैटरडे नाइट स्पेशल एपिसोड में कौन सा नया तूफान आने वाला है बेला की जिंदगी में, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं सीरियल नागिन 3 में क्या नया होने वाला है, इसके बारे में, अपकमिंग एपिसोड से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, साथ में आज के एपिसोड को लेकर जानते हैं कुछ खास खबरों के बारे में। जी हाँ, कलर चैनल पर प्रसारित होने वाले सीरियल नागिन 3 के आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं किस तरह से जामिनी की शादी को लेकर नया नया ड्रामा क्रिएट किया जाएगा। जी हाँ, बीते एपिसोड में आपने देखा होगा शो में कई ट्विस्ट एंड टर्न लाए गए थे। शो में दिखाया गया था कि सीरियल में नागिन बेला किस तरह से अनु की चाल में फंसने से बच जाती है, सिर्फ और सिर्फ वलन विश की वजह से, नागिन विश की वजह से। लेकिन अब आप देखने वाले हैं किस तरह से जामिनी के जाल में फंसने से खुद को बचा नहीं पाएगी वलन विश। जी हाँ, देखेंगे आप कि वलन विश शो में एक नया ड्रामा शुरू करेगी। एक नया ड्रामा शुरू होगा इस शो में जामिनी और बेला के बीच। ये कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। देखेंगे आप कि जामिनी और बेला बेहद ही खौफनाक तरीके से एक दूसरे का आमना सामना करते हुए दिखाई देंगे। देखेंगे आप किस तरह से नागिन रूप, जो कि देखा गया था शो में नागिन रूही का, वो सच सामने आता है। विक्रांत को जब गोली लगती है नागिन रूही के सामने, वो नजारा अनु ने अपनी ही आंखों से देखा था, जिसके बाद अनु ये समझ गई है कि रूही बदला लेने के लिए सहगल परिवार में आ चुकी है भेष बदल कर। कहीं ना कहीं शो में ये नया ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जानने का कि इंस्पेक्टर को सच बताने के लिए अब किस तरह से अनु एक नया रूप लेती है, अपने परिवार को बचाने के लिए किस तरह से अनु अपने जाल में दोनों ही नागिनों को फंसाती है। लेकिन इन सब के बीच माहिर का ड्रामा शो में शुरू हो रहा है। माहिर और बेला असल में दोनों ही नागिन हैं, जो अपनी असलियत से अनजान है। देखेंगे आप किस तरह से माहिर की असलियत सामने आएगी। माहिर कौन है, शिवन्या से उसका क्या रिश्ता है, रूही का शिवन्या से क्या रिश्ता है, शिवांगी जिसकी मौत रॉकी के हाथों हुई थी, वो रॉकी आखिर कहाँ है, शीशा के जाल में फंसने वाला रॉकी
क्या करने वाला है, ये सब देखने वाले हैं आप आने वाले एपिसोड्स में। ये देखकर आप काफ़ी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि जामिनी बेला की बलि देकर विशाखा संक्षा देकर उसके सारी शक्तियों को अपने नाम करने का फैसला ले चुकी है। लेकिन इस मकसद में जामिनी नहीं हो पाएगी कामयाब, क्योंकि बेला अपनी प्यारी सी दासी विश को कभी भी खोना नहीं चाहती है। तो देखेंगे आप किस तरह से जामिनी का दे एंड करने के लिए विशाखा यानी कि नागिन विश बेला के साथ एक और नया विकराल रूप लेती है। जामिनी के खेल का दे एंड किस तरह होगा और अनु की जाल से किस तरह विश बचाएगी बेला को, ये सब देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहले आप सभी को ये गुड न्यूज दे दे कि बेला के हाथों नहीं होने वाली है माहिर की मौत, क्योंकि बेला और माहिर बने हैं एक दूसरे के लिए। इनका रिश्ता है काफी पुराना, जी हाँ विक्रांत से भी पुराना रिश्ता है माहिर का नागिन रूही के साथ, और ये राज बहुत जल्द आप सभी के सामने आने वाले हैं। बोथ नागिन यानी कि बेला और विश की जिंदगी डेंजर में है, जिन्हें बाहर निकालेगा मौत के मुंह से खुद माहिर। अब माहिर की असलियत विश के सामने आने वाली है और विश माहिर से प्यार कर बैठने वाली है। ये है लव ट्रायंगल इस शो का, जो काफी एंटरटेनिंग तरीके से आगे बढ़ने वाला है। ऐसे में विश ही बनेगी बेला की दुश्मन। विश के हाथों बेला की मौत तो नहीं होगी, लेकिन मौत की जाल में बेला को फंसाने के लिए विश जब अपना अगला नेगेटिव किरदार सामने लेकर आएगी, तो फिर विश को ही अपनी जाल में फंसते देखने वाले हैं आप सभी। ये सब देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच नागिन शिवांगी की एंट्री हो सकती है बेला की मदद करने के लिए। जी हाँ विश नहीं बल्कि शिवांगी होगी बेला की असली साथी, जिन्हें देखने के लिए आप सभी को करना पड़ेगा इंतजार उस एपिसोड का, जो कि महा एपिसोड में तब्दील होगा। शो की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न नए लाए जा रहे हैं, जिससे लेकर कई और नई कहानी दिखाई जाएगी। देखेंगे आप इस शो में किस तरह से बेला और माहिर की कहानी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन माहिर अपनी असलियत के बारे में जानने के बाद बेला का साथ देने का फैसला कर लेगा। जो सहगल परिवार का अब तक बना हुआ है साथी, वही मिस माहिर आने वाले दिनों में बन जाएगा सहगल परिवार का दुश्मन। देखना होगा सुमित्रा, जो अब तक माहिर का ख्याल रखती नजर आई है, बेहद ही शानदार तरीके से वो माहिर किस तरह सहगल के प्यार में पूरी तरह से डूबने के बावजूद सहगल परिवार के हो जाएगा खिलाफ। देखेंगे आप माहिर को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाली बेला किस कदर माहिर को खोती चली जाएगी विश का साथ देने के चक्कर में, और विश अपने जहरीले इरादे को कामयाब करने के लिए बेला और माहिर को अलग करने का फैसला ले लेगी। बता दे आपको इसी के साथ माहिर के दिल में बेला के लिए धीरे धीरे नफरतों का आना शुरू होगा। ये होगा जलसी ड्रामा, जब बेला को किसी और के साथ देखने के बावजूद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा माहिर। देखेंगे आप बेला और माहिर की बढ़ती नजदीकियां शो में एक नया टर्न लेकर आएगा, जो आप सभी के लिए कई ट्विस्ट एंड टर्न की तरफ नया सरप्राइज होगा। तो देखा ना आपने नागिन 3 में आज आपको कौन सा नया ड्रामा देखने को मिलेगा, इससे हमने आपको अपडेट करा दिया है। लेकिन सवाल एक अब भी खड़ा है कि क्या मौनी रॉय और करिश्मा तन्ना की शो नागिन 3 में री एंट्री होगी, जो कि शो के पहले एपिसोड में ही नजर आई थी बेहद ही खूबसूरत अंदाज में। मौनी रॉय जो सीजन 1 और सीजन 2 की क्वीन स्नेक अवतार में नजर आई, नागिन रूप में इच्छाधारी नागिन के रूप में खूब पॉपुलैरिटी गेन करते नजर। ये कहना गलत नहीं होगा कि नागिन रूप ही उनका इस कदर पॉपुलर हुआ कि वो टीवी से लेकर बॉलीवुड में नागिन एक्ट्रेस के नाम से जाने जाने लगी। हॉट नागिन बन गई नागिन मौनी रॉय, जो अब बॉलीवुड में भी काम कर रही है। लेकिन नागिन अवतार उनका दर्शक भूल नहीं पाए हैं, तो क्या वाकई में मौनी रॉय दोबारा नागिन रूप में लौटेंगी सीजन 3 में? इसे लेकर जो कयास जारी है इसे हमने आपको अपडेट करा दिया है। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगी मौनी रॉय की री एंट्री को लेकर, कौन से एपिसोड में
इसे लेकर बालाजी टेल फिल्म्स की मालकिन नागिन थ्री की मालकिन यानी कि नागिन रामा से भरपूर इस शो की मालकिन एकता कपूर ने अब तक चुप्पी बनाए रखी है। तो करते इंतजार ये जानने का कि एकता कपूर इस पर से पर्दा कब उठाती है कि मौनी करिश्मा दोनों का ही कनेक्शन यानी कि शिवांगी और रूही का ही है कनेक्शन शो में। भाई रूही है कौन असल में, ये सब जानना दिलचस्प होगा शो के अपकमिंग एपिसोड्स में, जो कि अपनी माँ की मौत के बाद विक्रांत की मौत का बदला लेने आई थी। अब देखना होगा ये माहिर जो पुराना आशिक है उसका वो नया आशिक कैसे बना और एक इच्छाधारी नाग से इंसान रूप में किस कदर सुमित्रा के बेटे के रूप में सहगल परिवार में एंट्री कर चुका। आखिर कौन से मकसद के साथ सहगल परिवार में माहिर है उपलब्ध, ये सब देखना दिलचस्प होगा शो के अपकमिंग एपिसोड में, जिसके लिए आप सभी को करना पड़ेगा आने वाले एक और खास स्पेशल एपिसोड का इंतजार। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं इजाजत, लेकिन हाँ आप हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। टीवी टाउन के साथ बॉलीवुड की हर खबरों के साथ बने रहें यूं ही साथ में। आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।